बच्चों आप सभी से नमस्कार। आज कक्षा 6 में सोशल साइंस में पार्ट 3 पृथ्वी की गतियां, पार्ट 3 पृथ्वी की गतियां पार्ट शुरू करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन एवं परिक्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.2 डिग्री का कोण पर आती है। वो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोलाकार है। पृथ्वी का आकार जी गोलाकार है। जब दूसरी भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है, लोक पर वो वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन का घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन का कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 डिग्री या 365 डिग्री दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुव वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांक कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तक छोटी रातों वाली ग्रीष्म होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांक कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुव वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव वृत्त कहा जाता है। आवाज आ रही है? जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। प्रत्येक महीने की 21 तारीख को होने वाले सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समयों को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखिए तथा निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। किस महीने के दिन सबसे छोटे हैं? किन महीनों में दिन एवं रात लगभग बराबर होते हैं? आओ कुछ करके सीखे। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घ वृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घ वृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े होकर हो जाएं। वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उस स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घ वृत्त पर चले। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। क्या आप जानते हैं
कि एक दीर्घ वृत्त कैसे बनाया जाता है, एक पेंसिल दो पिने तथा एक धागे का छल्ला लीजिए, आप इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर ताकते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वो दीर्घवृत्त होगी। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ये मानचित्र है आपके पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव है, इसके नीचे से जाएंगे ईश्वर पर दक्षिण ध्रुव आपका उत्तर दक्षिण ध्रुव हो गया। इसके बाद मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा, ये मकर रेखा हो गई। और इसके बाद आपका और इसके बाद कर्क रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा हो गई। सरकारी का
66 सही है। तीन बटे दो अंश का कोण है सही एक बटे दो अंश है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो काल्पनिक रेखा है जो एक काल्पनिक रेखा है जो इसके अक्षीय सतह से जो इसके अक्षीय सतह से
भूमि का पांच से काल्पनिक रेखा है जो इससे पश्चिमी सतह से छाछठ से एक बड़े दो अंश का कोण बनाती है। छाछठ से एक बड़े दो अंश का कोण बनाती है। ये उत्तर आया आपका पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी के पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से छाछठ सही एक बटे दो अंश का कोण बनाती है। छाछठ सही एक बटे दो अंश का कोण बनाती है। अब आता है घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर दो है घूर्णन एवं परिक्रमण गति को परिभाषित कीजिए। घूर्णन एवं परिक्रमण गति को परिभाषित कीजिए। तो इससे आता है बच्चों घूर्णन एवं परिक्रमण गति। घूर्णन एवं परिक्रमण गति में आपको मिलेगा घूर्णन जो अपने सही स्थिति में चक्कर काटती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं, पहला घूर्णन एवं परिक्रमण। तो पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं, पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं। दो प्रकार की गतियां है, नंबर एक घूर्णन गति, नंबर एक में है आपकी घूर्णन गति। नंबर एक में घूर्णन गति घूर्णन एवं परिक्रमण पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी का अपने अक्ष में पृथ्वी का अपने अक्ष से घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष से घूमना घूर्णन कहलाता है। अपने अक्ष पर घूमना अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है।
सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में एक स्थिर कक्ष में सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को एक स्थिर मासूर के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को पृथ्वी की गति पृथ्वी की गति को हमने दो क्वेश्चन इस पे आपको दिया। पहला पृथ्वी के अक्ष का झुकाव बोल गया है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.2 अंश का कोण बनाती है। दूसरा है घूर्णन एवं परिक्रमण गति को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं। पहला घूर्णन गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। परिक्रमण गति, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये दो क्वेश्चन आपके हो गए और ये मानचित्र भी कंप्लीट कर दे रहा है। आप हो कल अगले क्वेश्चन हो गए। सभी बच्चों को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर जी नमस्ते। सर जी नमस्ते। सर नमस्ते।